आज मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आज संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि की अगर हम चर्चा करें तो वस्तुतः संस्कृत भाषा शिक्षण की त्रयः विधयः प्रतिपादिताः, तीन विधियों का प्रतिपादन किया गया है। प्रथमः विधि तु प्राचीन विधि, द्वितीयः नवीन विधि, तृतीयः तु नवीनतम विधि। इत्ते त्रयः विधयः संस्कृत भाषा शिक्षणस्य शिक्षणे प्रयुक्ताः। अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जो प्राचीनतम विधि है, संस्कृत भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम विधि के अंतर्गत पहले विद्यार्थी गुरुकुल प्रणाली में गुरुओं के आश्रमों में जाते थे और वहाँ पर गुरुओं की सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु आज वह प्राचीन पद्धति धीरे धीरे लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के फलस्वरूप आधुनिक परिवेशे तु संस्कृत शिक्षणे चतुर्भागः वर्तते। आधुनिक परिवेश में तो संस्कृत शिक्षण के चार भाग हैं। इस संस्कृत विषय का शिक्षण, संस्कृत विषय का शिक्षण कराने के लिए संस्कृत विषय को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला है व्याकरण शिक्षण विधि, दूसरा है काव्य शिक्षण विधि, तीसरा है गद्य शिक्षण विधि, चौथा है नाटक शिक्षण विधि। इन चार भागों में ही संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों को समाहित किया गया है। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधि। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरण। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है वी आंग क्री ल्युट, वी आंग क्री ल्युट, इनसे जो है व्याकरण शब्द बना हुआ है। किसी भी भाषा के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। बिना व्याकरण के ज्ञान के किसी भी भाषा का ज्ञान समुचित नहीं हो सकता है। इसलिए व्याकरण शिक्षण विधि के अंतर्गत हम संस्कृत शिक्षण को बताते हुए आपको बता रहे हैं कि इसकी पहली विधि, व्याकरण शिक्षण की पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत इसी को सूत्र निर्माण विधि कहते हैं। आगमन विधि से तात्पर्य यह है कि जिसके अंतर्गत पहले बच्चों के सामने हमारे द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, बाद में उसके नियमों का स्पष्टीकरण किया जाता है, बाद में उसके नियमों की चर्चा की जाती है, वह आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि क्योंकि उदाहरण दे करके इसके बाद सूत्र का स्पष्टीकरण किया जाता है, इसीलिए इस विधि को ही सूत्र निर्माण विधि भी कहा जाता है। जैसे अगर आप देखें, एक उदाहरण लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। आगमन विधि में जैसे अगर हम लें अ धन ई बराबर ए, अगर किसी बच्चे को हम यह बता रहे हैं कि बेटा अ धन अ ई अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, तो बच्चा बोलेगा ए। लेकिन अगर कह दिया जाए कि यह कैसे बना, तो बच्चा इसका उत्तर देने में असमर्थ हो जाए, क्योंकि उसको यह नहीं मालूम है कि अ और ई मिल करके कैसे ए हो जाए। तब हम उसको बताएंगे कि अगर अ के बाद में
असमान स्वर के रूप में ई आता है, तो यहां पर आद गुण सूत्र के द्वारा ए आदेश हो जाएगा, यह गुण संधि का विषय बन जाएगा। तो पहले हम उदाहरण देते हैं, बाद में नियम का स्पष्टीकरण करते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर पहुंचने के कारण, या उदाहरण से नियम की ओर प्रकाश डालने के कारण, इस विधि का दूसरा नाम सूत्र निर्माण विधि है। उदाहरण के द्वारा सूत्रों का हम निर्माण करते हैं। यह व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए पहले निश्चित तौर पर अन्यान्य उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए सूत्रों का निर्माण किया जाता है और सूत्रों का स्पष्टीकरण करवाया जाता है। इसलिए यह व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में व्याकरण की शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। आगमन विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आपको अगर और सरल समझना चाहिए तो आप समझ लीजिए आऊ। आऊ का मतलब आगमन विधि, ऊ का मतलब उदाहरण। आगमन विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद फिर उस नियम का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से सरलतम रूप में इसको ट्रिकी मेथड से अगर आप याद करना चाहें तो आऊ, आऊ का तात्पर्य होता आ माने आगमन, ऊ का मतलब होता है उदाहरण। आगमन विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण दिया जाता है, तत्पश्चात बच्चों के सामने सूत्र का निर्माण करते हुए नियम का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो व्याकरण शिक्षण की यह पहली विधि हुई। दूसरी विधि है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि से तात्पर्य होता है पहले हम इसके अंतर्गत सूत्रों का उल्लेख करते हैं, नियमों का उल्लेख करते हैं, उसके बाद में उदाहरण दे करके उस चीज को समझाते हैं। तो पहले सूत्रों का वर्णन होने के कारण ही इस विधि का नाम सूत्र विधि भी है। सूत्र विध्यांतर्गत प्रथमं तु नियमाः प्रस्तुत कुर्वन्ति तथा च उदाहरणेन तस्य स्पष्टीकरणं कुर्यात्। अनेन प्रकारेण इयमेव विधि अमनोवैज्ञानिक विधि वर्तते। संस्कृत व्याकरण शिक्षणे यद्यपि इयमपि विधि आवश्यकः अस्ति, यह विधि भी बहुत आवश्यक है, लेकिन यह विधि अमनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि पहले हम सूत्रों का वर्णन करते हैं, सूत्रों को सिखाते हैं, सूत्रों को याद कराते हैं, बाद में उदाहरण देते हैं, इसलिए बच्चा उसको सरलतम रूप से नहीं सीख पाता है। यह विधि हायर लेवल उच्च शिक्षा के लिए तो ज़्यादा उपयोगी है और निम्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि ही सबसे उचित विधि मानी जाती है। तो अगर प्रश्न में कभी भी आता है कि व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सबसे सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। आगमन विधि में थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा है, समय अधिक लगता है, क्योंकि दो तीन चार उदाहरण हम पहले प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद नियमों का स्पष्टीकरण करते हैं, इसलिए यह थोड़ा समय ज़्यादा लेती है यह विधि, लेकिन यह विधि सर्वोत्तम और सरल विधि मानी जाती है। इस विधि के द्वारा बच्चों को बहुत जल्दी व्याकरण का ज्ञान कराया जा सकता है। अब तृतीय विधि की अगर हमें आपसे चर्चा करें तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत तृतीय विधि है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि ही इदमेव विधि से तात्पर्य है अस्ति यत प्राचीन काले तु गुरुकुल प्रणाली प्रचलिता। गुरुकुल प्रणाली शिक्षाया अंतर्गत विद्यार्थिनः गुरुकुले गतवान गुरुणा समीपम शिक्षा गृहवन्त।
गुरुकुल प्रणाली में गुरुओं के पास विद्यार्थी जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरुओं के पास रह करके उनके भाषाओं को सुन करके स्वयं अनुकरण करते थे तथा यदि किसी प्रकार से उनके भाषा में कोई कमी हुई तो गुरुओं के द्वारा बड़ों के द्वारा उनके भाषा का त्रुटिमार्जन किया जाता था, त्रुटियों में सुधार किया जाता था। तो भाषा संसर्ग, अगर एक बात के लिए कह लिया जाए, जैसे मेरे ही साथ कोई अगर मेरा छोटा भाई मेरे साथ रह रहा है और बातचीत के दौरान अगर वह कोई बात गलत बोल देता है या भाषा से संबंधित कोई उसमें त्रुटि हो जाती है तो उसको समझाने के लिए हम बताएंगे कि देखो भैया यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो। तो हमारे संसर्ग के प्रभाव से धीरे धीरे वह भाषा की त्रुटियों को सही करके सही दिशा में जाते हुए सही भाषा का ज्ञान उसको हो जाएगा। तो भाषा संसर्ग विधि प्रायः इसी विधि को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में या प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्रावास वगैरह की व्यवस्था कराई जाती है उसका तात्पर्य यही होता है कि छात्रावास में रहते हुए विद्यार्थी वहाँ के वातावरण में दी जाने वाली शिक्षा, वहाँ के वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को सीखे और अगर कोई उसके द्वारा त्रुटि होती है तो उसके त्रुटियों को सीनियरों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा जो है सुधारा जा सके। तो भाषा संसर्ग विधि भी अच्छी विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की। तो संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण की यह तृतीय विधि हुई। अब चतुर्थ विधि है परंपरा विधि। यह विधि प्राचीन विधि मानी जाती है। परंपराया, परंपराया का मतलब यह हुआ कि हमारे गुरुओं के द्वारा जिस प्रणाली से, जिस सिस्टम से, जिस तरीके से कोई कार्य किया जाता था हम उनका अनुकरण करके वह सीखते हैं, देखते हैं और उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो परंपराया, जैसे हमारे गुरुओं के द्वारा ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत उत्थाय आचम्यम कृता, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उनके द्वारा उठा जाता है तो उनके संपर्क में रह करके परंपराया धीरे धीरे उसको हम अपने आचरण में भी ले आते हैं। और एक गुरु परंपरा से शिष्य परंपरा, शिष्य परंपरा से फिर अन्य परंपराओं में यही परंपरा धीरे धीरे जो है पुष्पित और पल्लवित होती है जिसके द्वारा व्याकरण शिक्षण को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो व्याकरण शिक्षण की यह प्राचीन विधि जो परंपरा विधि है यह भी व्याकरण के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद पंचम विधि व्याकरण शिक्षण की समवाय विधि। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि समुचित रूप से व्याकरण शिक्षण पर बाधा डालने वाली कौन विधि है तो वह है समवाय विधि। समवाय विधि यह बताता है कि व्याकरण एक जटिल और नीरस विषय होता है, व्याकरण विषय का अलग से ज्ञान कराने से विद्यार्थी धीरे धीरे उबने लगता है, इसलिए इसको अलग से अध्ययन ना करा करके बल्कि ऐसा किया जाए कि जैसे अगर हम काव्य पढ़ा रहे हैं या गद्य पढ़ा रहे हैं तो काव्य और गद्य के अंतर्गत जो व्याकरण से संबंधित तथ्य आए हैं उन तथ्यों को लेकर के ही हम व्याकरण विषय को पढ़ाएं, ना कि केवल व्याकरण को अलग से लेकर के पढ़ाएं। तो इससे होता क्या है कि काव्य के साथ साथ पढ़ाने से वह व्याकरण हमारा नीरस और उबाऊ नहीं होता है, गद्य के साथ साथ पढ़ाने से वह व्याकरण हमारा उबाऊ और नीरस नहीं होता है। अतः व्याकरण का ज्ञान काव्य और गद्य के साथ साथ ही कराया जाना चाहिए। इस विधि को यही मान करके प्रतिपादित किया गया है कि यह व्याकरण शिक्षण की निम्न स्तर की विधि मानी जाती है। निम्न स्तर की विधि इसलिए मानी जाती है कि चूंकि व्याकरण शब्द को, व्याकरण
को यह नीरस मानती है, इसलिए यह विधि निकृष्टतम विधि मानी जाती है। अब इसके बाद दूसरी विधि हमारी जो है, ये तो व्याकरण की विधियाँ हो गई, दूसरा संस्कृत भाषा शिक्षण का पार्ट बनता है काव्य। काव्यों का शिक्षण कराने से पहले हमें आपको बताना चाहेंगे, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। जिन काव्यों में रस नहीं होता है, जिन काव्यों में गेयता नहीं होती है, जिन काव्यों में अलंकारिता नहीं होती है, जिन काव्यों में छंदोबद्धता नहीं होती है, उन काव्यों को काव्य नहीं कहा जा सकता है। अर्थात काव्य के लिए छंदों का, रसों का, अलंकारों का और विभिन्न प्रकार के तुक और अतुक आदि का होना अत्यावश्यक होता है। तो काव्य से तात्पर्य है पद्य, काव्य को ही पद्य कहा जाता है। पद्य गेय होता है, इसे गाया जा सकता है, इसे गाया जा सकता है। जैसे मुखे ते ताम्बूलाम नयन युगले कजलकला ललाटे कास्मीराम बिलसते गले मौक्ति कलितम। तो इस प्रकार से काव्य को जिसे गाया जा सके, जिसका स्पष्ट उच्चारण किया जा सके, जिसको सुन करके ही यह समझा जा सके कि वास्तव में यह काव्य है, वही काव्य है। तो काव्य शिक्षण विधि के अंतर्गत पहली विधि है भाषानुवाद विधि। भाषानुवाद का मतलब है एक भाषा का दूसरी भाषा में उसी प्रकार से अनुवाद कर देना, टीका कर देना, परिवर्तित कर देना, बदल देना। जैसे अगर दिया है कोई शब्द संस्कृत का करपटह, जैसे दिया है करपटह, तो करपटह का शुद्धतम अनुवाद क्या होगा दूसरी भाषा में? करपट यह संस्कृत भाषा का शब्द है, कहा जाए कि हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा, तो करपट माने होता है कपड़ा, करपट माने कपड़ा। तो भाषानुवाद विधि का तात्पर्य यह है, भाषानुवाद विधि अंतर्गत जानी वाक्यानि दीयतानि, या जे जे वाक्यानि दीयतानि तानि सर्वाणि वाक्यानि अन्य भाषा समुचित रूपेण सम्यक समानार्थी शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा तदैव रूपेण अन्य भाषायां परिवर्तिताः एव भाषानुवादः सन्ति। भाषानुवाद का तात्पर्य एक भाषा का सेम दूसरी भाषा में उसमें उतार चढ़ाव, हाव भाव आदि नहीं हम मिलाते हैं, बल्कि हू बहु संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में, या हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा में, या हिंदी भाषा का अंग्रेजी भाषा में उसी रूप में समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए बदल देना ही भाषानुवाद है। तो काव्य शिक्षण के अंतर्गत जो पहली विधि है भाषानुवाद विधि, यह भाषानुवाद विधि बहुत ही उपयोगी विधि है। इसका प्रयोग लयात्मक रूप से शिक्षक को करना चाहिए, जिससे बच्चों को यह मालूम हो सके, बच्चे यह सीख सकें, उनके हाव भाव के द्वारा समझ सकें कि वास्तव में गुरुजी के द्वारा काव्य पढ़ाया जा रहा है। तो काव्य में भाषानुवाद विधि, भाषा का अनुवाद करना, यह बहुत उपयोगी विधि है। दूसरी विधि है भाष्य विधि। भाष्य विधि से तात्पर्य अस्ति, भाष शब्द का अर्थ ही है भाष माने बोलना, भाष धातु है, भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। जब हम अस्पष्टतः उच्चारण करते हुए शब्दों का सही सामंजस्य लेते हुए
सही ढंग से उच्चारण करते हुए जब किसी भी काव्य को पढ़ते हैं तो उससे विद्यार्थियों के अंतर्गत वही प्रवृत्ति जागृत होती है। तो काव्य का जो वाचन होता है वह भाष्य विधि द्वारा अस्पष्टतः वाचन होना चाहिए। इसी को टीका विधि भी बोलते हैं। टीका का मतलब अन्यान्य टीकाओं के अंतर्गत एक ही बात को अनेक प्रकार से बोला गया है, अनेक प्रकार से कहा गया है। तो भाष्य विधि के अंतर्गत एक ही बात को कई प्रकार से उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यही हमारी विधि है भाष्य विधि। काव्य शिक्षण की अगली विधि है अन्वय विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। काव्य शिक्षण से अंतर्गत अन्वय विधि में यह बताया गया, अन्वय का तात्पर्य होता है अनुवय, अनुमाने पीछे पीछे। जैसे जैसे हम शब्दों का सामंजस्य करते हैं, पहले कर्ता फिर कर्म फिर सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया, इस प्रकार से जो है शब्दों को नियम के अनुसार रखना ही अन्वय विधि। जैसे आप लोग संस्कृत के किताबों में देखते होंगे कि संस्कृत के श्लोकों के नीचे लिखा रहता है पदच्छेद और अन्वय। तो अन्वय जैसे विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, एक श्लोक की लाइन है जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आई है कि विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा, विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा। अब इसका अगर हम अन्वय करें तो अन्वय इसका होता है यम, यम अनन्य मनसा विचिन्तयन्ति। इसका तात्पर्य यह है कि विचिन्तयन्ति यहां पर क्रिया है, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से क्रिया पहले आई है, लेकिन जब हम इसका